नमस्कार, मैं प्रिया। आज 17 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा में बढ़ी 68 और सीटें। बिहार की 12वीं की छात्राओं के अलावा अब इन छात्राओं को भी मिलेगा मुफ्त में लैपटॉप। तीसरी लहर की आशंका के बीच पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से मांगी अस्पतालों की जानकारी। बिहार में प्राकृतिक खेती की असीम संभावनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम नीतीश देंगे मुंगेर वासियों को सौगात। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी की 67वीं परीक्षा में बढ़ी 68 और सीटें। बिहार लोक सेवा आयोग की होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित होने के बाद आयोग ने अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा के लिए 68 सीटों का इजाफा किया है। इसके बाद रिक्तियों की कुल संख्या 794 हो गई है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने इसको लेकर बीते दिन शुद्धि पत्र में जानकारी साझा कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जोड़ी गई रिक्तियां काराधीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय, गृह विभाग कारा लेवल 9 पद के लिए और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्रम संधान विभाग से जुड़ी है। दोनों के लिए न्यूनतम उम्र 20 साल और 21 साल है। बिहारवासियों को बिना लिखित परीक्षा के मिलेगी सरकारी नौकरी। अगर आप भी नौकरी की तलाश में बैठे हैं तो हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी में इन दिनों बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके तहत ही आपको बिना किसी लिखित परीक्षा में बैठे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल सकती है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से माइक्रोबायोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे में इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन देकर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवार 22 और 23 दिसंबर 2021 को निर्धारित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। बिहार की 12वीं की छात्राओं के अलावा अब इन छात्राओं को भी मिलेगा मुफ्त में लैपटॉप। बिहार सरकार अब तक ऐसी छात्राएं जो कि 12वीं उत्तीर्ण होती थी उन्हें लैपटॉप देने का काम करती आई है, लेकिन अब बिहार सरकार ने बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में सफल होती है तो उन्हें तोहफे में लैपटॉप देने वाली है। इसको लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर दिया है, जिसके तहत अब 12वीं के बाद ही महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि ध्यान रहे, प्रतिष्ठित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिस्सेदारी बिना या सीधे इंजीनियरिंग मेडिकल में नामांकन वाले विद्यार्थियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। 2.35 लाख उद्यमी ही अब तक उद्यम निबंधन में हो सके माइग्रेट। राज्य के 34 लाख उद्यमी जो कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग से जुड़े हैं, उन्हें 30 दिसंबर 2021 के पहले उद्यम निबंधन में माइग्रेट होना था। अगर उद्यमियों ने ऐसा नहीं किया तो उद्यमियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा, जिसको लेकर सारी जानकारी राज्य सरकार ने पहले ही साझा कर दी है। लेकिन बावजूद इसके राज्य के महज 2,35,000 उद्यमी ही उद्यम निबंधन में माइग्रेट हो सके हैं, जिसके बाद एमएसएमई IEDS के निदेशक प्रदीप कुमार ने साफ कहा है कि उद्यम निबंधन नहीं करा सके उद्यमियों की एमएसएमई द्वारा सहायता की जाएगी। इसके लिए एमएसएमई के अधिकारी फील्ड स्तर पर अभियान चलाएंगे। इसको लेकर राज्य के 17 जिलों में एमएसएमई योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 26 दिसंबर को होगी दरोगा बहाली परीक्षा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से दरोगा भर्ती परीक्षा के आयोजन की तारीख जारी कर दी गई है, जिसके तहत यह परीक्षा 26 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। इसमें लगभग 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोग की माने तो 1828 दरोगा और 385 सार्जेंट यानी कि 2213 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा लिया जाना है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एक सीट के लिए 275 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद है। चूंकि यह कोरोना का माहौल है, ऐसे में छात्रों की संख्या और कोरोना को देखते हुए कम से कम 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की उम्मीद है। आयोग की तरफ से परीक्षा की तैयारी जारी है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें कुल सीट के 20 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। वहीं 20 गुना अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित होगी, इसमें कुल सीट के 6 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। किसी कीमत पर ना बिहार में शराब की बिक्री होगी ना ही इस पर कोई समीक्षा होगी। बिहार में कहने को शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बीते कुछ दिनों से आए मामलों ने सरकार के दावों को ही झूठा करार कर दिया है। यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी कानून का पूरी तरीके से पालन हो
इसको लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि विपक्ष और सरकार पक्ष के ही कुछ लोगों की राय इससे ठीक उलट है, लेकिन ऐसे लोगों को अब सीएम नीतीश ने एक बार फिर से अपना जवाब दे दिया है, जिसके तहत बीते दिन शराबबंदी कानून को लेकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि बिहार में किसी कीमत पर शराब नहीं बिकने देंगे। शराबबंदी को लेकर कुछ लोग अनर्गल बात करते रहते हैं और सवाल खड़े करते रहते हैं। इतना तय है कि बिहार में शराब की बिक्री किसी कीमत पर नहीं होगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और आलोचक थे। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पहले भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारा था। वो छाया वादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वो थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। शास्त्री जी का जन्म बिहार के गया जिले के मैगरा गाँव में हुआ था। लहर की आशंका के बीच पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से मांगी अस्पतालों की जानकारी। बिहार समेत देश भर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अलर्ट अभी से ही जारी कर दिया गया है। वहीं बिहार में भी कोरोना के मामले आ रहे हैं और उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण ही तैयारियां तेज है। इसी बीच संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से अस्पतालों की जानकारी मांगी है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोरोना महामारी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह आदेश जारी कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी जिला अस्पतालों को अस्पतालों की हालत की विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया है। बिहार में अब छाएगा कोहरा, अगले दो दिन कुछ ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद अब बिहार वासियों को कोहरे का सामना भी जल्द ही करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण प्रदेश में पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ही आने वाले दो दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई गई है। साथ ही कोहरा भी देखने को मिल सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और पंजाब तक ठंड में वृद्धि होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है देश के उत्तरी हिस्से से आने वाली हवा। हालांकि इस दौरान वैज्ञानिकों ने अचानक बढ़ रहे ठंड के कारण सेहत पर विशेष नजर रखने की जरूरत भी बताई है। बिहार के सिवान के दोन स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त दोन स्तूप दरौली प्रखंड के दोन गांव में स्थित है। यह स्थल बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, और इसी वजह से यहां पर वियतनाम, थाईलैंड सहित अन्य देशों के बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं। हालांकि एक और मान्यता हिंदू धर्म को मानने वालों की यह भी है कि यहां पर किले में मौजूद अवशेष महाभारत काल के हैं, जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने बनवाया था, परंतु मान्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। चीनी यात्री ह्वेन सोंग ने अपनी यात्रा वर्णन में स्थान पर एक पुराना स्तूप होने का जिक्र किया है। स्तूप के अवशेष स्थल पर मंदिर बना है, जिसमें नवीं सदी में बनी एक मूर्ति स्थापित है। बैंकों के निजीकरण का शुरू हुआ विरोध। बैंकों के निजीकरण को लेकर बिहार समेत देश भर में व्यापक विरोध किया जा रहा है। बीते दिन जिसका आह्वान कर दिया गया था। ज्ञात हो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निजीकरण की तैयारियों के विरोध में बैंक कर्मियों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में गुरुवार की सुबह ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के बैनर तले सभी कर्मचारी निजीकरण का विरोध शुरू करते देखे गए। सभी कर्मचारी केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते नजर आए। वहीं राष्ट्रीय सचिव ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए इस निजीकरण पर एक बार पुनः गौर करने का अनुरोध किया है। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की बढ़ी समय सीमा। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 15 दिसंबर 2021 से ही प्रतिबंध लगाने की थी, लेकिन सरकार ने आखिरी वक्त में ऐलान किया है कि अब 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के निर्माण, इस्तेमाल और वितरण पर प्रतिबंध लगेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की घोषणा पहले ही की थी। बिहार में प्लास्टिक व्यवसायियों की तरफ से लगातार प्लास्टिक बैन की तारीख बढ़ाने की मांग भी की जा रही थी। ध्यान रहे, अब सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगने के बाद 1 लाख का जुर्माना या 3 महीने की कैद की सजा भी हो सकती है। बाढ़ क्रियान्वयन और प्रबंधन समितियां 15 तक गठित होंगी।
पंचायती राज विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी ग्रामीण वार्डों में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समितियों का गठन 15 जनवरी 2022 तक कर दिया जाएगा, जिसको लेकर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश जारी किया है। साथ ही विभाग ने साफ कहा है कि वार्ड सचिव के चयन के साथ ही सभी वार्डो में समितियां नए सिरे से गठित कर दी जाए, ताकि ग्राम पंचायत के अंतर्गत वार्डो को दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन शुरू कर दे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य के सभी 8,071 ग्राम पंचायतों में 110,000 से अधिक वार्ड है। हर वार्ड के लिए नए सदस्य का निर्वाचन पूरा हो चुका है। जल्द ही सभी निर्वाचितों का शपथ ग्रहण होना है। इसके तुरंत बाद सभी वार्डो के लिए उक्त समितियों का गठन किया जाएगा। गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर जल्द ही शुरू होगा परिचालन। बिहार के लिए खुशखबरी, गांधी सेतु पुल के पूर्वी लेन पर निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। दिन रात सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी काम करने में जुटे हैं। कई इंजीनियरों की टीम भी लगातार निर्माण स्थल पर मुस्तैद होकर कार्य में तेजी लाने का काम कर रही है, जिसके बाद अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर जल्द ही परिचालन शुरू होने वाला है, जिससे कि सीधे सीधे बिहार की राजधानी पटना से उत्तर बिहार जाने वाले और उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते महीने से जैसे ही गंगा नदी का जल स्तर कम हुआ, उसके बाद से पूर्वी लेन पर सुपर स्ट्रक्चर का काम तेज हो गया था। ज्ञात हो निर्माण कार्य मार्च 2022 तक ही हालांकि पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन थोड़ी देरी की वजह से अब इस लेन का परिचालन मई 2022 में शुरू होने की बात कही जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम नीतीश देंगे मुंगेर वासियों को सौगात। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी कि 25 दिसंबर की तारीख बिहार वासियों के लिए कई मायनों में खास होने वाली है, क्योंकि इसी दिन सीएम नीतीश मुंगेर वासियों को पुल की सौगात देने वाले हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल के अप्रोच पथ निर्माण कार्य का जायजा ले लिया है। इस मौके पर मंत्री नवीन ने कहा कि योजनाओं को चुनौतीपूर्ण लिए जाने के बाद ही योजनाएं पूरी हो पाती है। उन्होंने कहा कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को ही इस रेल सह सड़क पुल में से सड़क पुल का उद्घाटन होगा, जो कि सीएम नीतीश करने वाले हैं, जिसका हिस्सा वर्चुअल तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बनने वाले हैं। रामांजी को मिला पप्पू यादव का साथ। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराबबंदी कानून का पालन करवाना सरकार के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच सरकार में ही शामिल दलों के बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और विपक्ष को बोलने का मौका दे रहे हैं। अब जीतन राम मांझी के बयान को ही देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पीने के ज्ञान के बाद विपक्ष लगातार अब एक के बाद एक हमला कर रहा है। रोहिणी आचार्य के बाद पप्पू यादव ने भी सरकार का घेराव किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो जीतन राम मांझी का सपोर्ट भी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह सच है कि केवल गरीब लोगों को पकड़ा जाता है, एक भी माफिया और नेता जेल नहीं जाता है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो बातें जीतन राम मांझी ने कही है वो शत प्रतिशत सत्य है। पटना की सड़कों पर पहली बार निकले तेजस्वी और राजश्री। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बीते दिन पहली बार पत्नी राजश्री के साथ पटना की सड़कों पर चहलकदमी करते देखे गए। उन्होंने डाबरी आवास के बाहर सड़क पर निकलकर समर्थकों का अभिवादन किया। इस दौरान तेजस्वी और उनकी पत्नी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई। 9 दिसंबर को दिल्ली में शादी करने के बाद तेजस्वी के पटना आने के बाद से ही कई दिनों से उनके डाबरी आवास से बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा था। गुरुवार दोपहर बाद उन्होंने पत्नी के साथ सड़क पर निकलकर समर्थकों का अभिवादन किया और सभी के प्रति आभार जताया। इस दौरान वो लोगों का आशीर्वाद भी लेते देखे गए। पर नीतीश के साथ आए पशुपति पारस। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जदयू को भाजपा का ना सही मगर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का समर्थन जरूर मिला है, जिसके तहत इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। साथ ही कहा है कि बिहार के विकास के लिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मांग का समर्थन करते हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे देगी। RLJP अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि विशेष दर्जे की मांग बेहद पुरानी रही है, केंद्र सरकार को इसे हर हाल में मान लेना चाहिए। निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है कि जो नीतीश जी का डिमांड है वो पूरा हो, क्योंकि कोई नया डिमांड नहीं है, ये बहुत पुराना डिमांड है। यदि वैसी नौबत होगी तो हम लोग भी साथ में चलेंगे और प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे। बिहार में दो खेमों में बटी चिराग की पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राजनीतिक नैया किनारे पर आने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि पहले चाचा और भतीजे की राह अलग अलग हुई, उसके बाद उपचुनाव में किरकिरी और अब पार्टी के अंदर ही फूट नजर आने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार जो बातें सामने आई है उसके मुताबिक प्रदेश इकाई के एक नेता और उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जारी रखने के पक्ष में है। वहीं दूसरे बड़े नेता चाहते हैं कि MLC चुनाव से पहले पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो। इसके लिए दूसरे बड़े नेता की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। पार्टी से जुड़े लोगों की तरफ से दावा यहां तक किया जा रहा है कि गठबंधन को लेकर इन दोनों बड़े नेताओं के बीच आपस में बन नहीं रही है, धीरे धीरे विवाद का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में
प्राकृतिक खेती की असीम संभावनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन प्राकृतिक खेती को लेकर देश को संबोधित किया, जिसके बाद जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने इसका सीधा संबोधन बिहार से किया और कहा कि देश में एक जन आंदोलन बनाने के लिए बिहार में असीम संभावनाएं हैं। किसानों के लाभ के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती मेरी भी रुचि का विषय रहा है, जिसे अब सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक पहल है। इतना ही नहीं, इसको लेकर उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि मैं खुद अपने गांव में अपनी धरती पर प्राकृतिक खेती करना शुरू करूंगा। साथ ही साथ उन्होंने युवा पीढ़ी को भी आगे आकर इस परंपरागत ज्ञान के जमीनी उपयोग से जुड़ने को कहा। मांझी के शराब मंत्र पर बिहार में शुरू हुआ बवाल। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां एक तरफ ये कहते थक नहीं रहे कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी दल हम के मुखिया विवादित बयान दे रहे हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी ने सभी को शराब मंत्र दिया था, जिस पर ही अब विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया है। मांझी के बयान के बाद ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस आईएएस जज बड़े नेता के बेडरूम या बाथरूम में चेक करने नहीं जाती। ये सब नियम सिर्फ गरीबों के लिए है। दुल्हन के रूम में चेक करने पहुंच जाते हो और बड़े रसूख वाले दामाद लगते हैं क्या, जो वहां तलाशी नहीं लेते हो। हिम्मत है तो रात में तलाशी, धनवान जज आईएएस आईपीएस जेल में होगा। कार्ड को करे आधार कार्ड से लिंक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर यह दावा किया गया है कि इससे डुप्लीकेसी रुकेगी, साथ ही फर्जी वोटिंग पर भी अब लगाम लगेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां फर्जी वोटिंग की बात कही गई है। ऐसे में आधार को लिंक करने की प्रक्रिया को आयोग ने साल 2015 में शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए इस पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब कैबिनेट ने नए सिरे से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके आधार पर कानून में संशोधन भी किया जाएगा। बताया विराट कोहली से क्यों वापस ली गई वनडे टीम की कप्तानी। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली से वनडे कप्तानी लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है। महान क्रिकेटर गावस्कर ने बताया कि क्यों कोहली से वनडे टीम की कप्तानी ली गई। उन्होंने इसके लिए इस साल सितंबर में कोहली के उस बयान को जिम्मेदार बताया है, जब भारतीय बल्लेबाज ने कहा था कि वो टी20 विश्व कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे और टेस्ट और वनडे टीम की कप्तानी करना जारी रखेंगे। गावस्कर ने कहा कि मीडिया में खबरें आने से पहले कोहली को ये बता दिया गया था और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मीडिया के जरिए ये बात पता लगी, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने उन्हें पहले ही बता दिया था और ये अच्छी बात है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मंगोल सम्राट तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां बेगम का निधन 1645 में आज के दिन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 में उड़ीसा पर कब्जा किया। भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 1927 में निर्धारित तारीख से दो दिन पहले ब्रिटिश सरकार ने गोंडा जेल में सजा दी थी। भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। इस दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महल नोबिस का सपना साकार हुआ और कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की 1931 में स्थापना हुई। भारत के दिग्गज क्रिकेटर लाला अमरनाथ ने 1933 में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में ही 118 रनों की बेहतरीन पारी खेली। महात्मा गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया। शीला दीक्षित ने 2008 में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम का जन्म 1972 में आज के दिन हुआ था। मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का निधन 1645 में आज के दिन हुआ था। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,490 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,770 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, शाहजहां खातून, रहवर, विक्रम देश प्रेमी, पवन कुमार, सोनू कुमार, रोहित कुमार, आनंदी शाह, संजय शाह, अमित कुमार पासवान, राकेश कुमार, आदित्य कुमार मिश्रा, मोहम्मद आलम, गुरिया सिंह, आर्यन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में प्लास्टिक को बैन करने का फैसला सही है या नहीं। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।